प्रातः क्लास चल रहा था पहली जून 1965 मंगलवार को 6 पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी भारत का एक धर्म है और भारत को थमाने के लिए भारत में पवित्रता चाहिए भारत जैसा पवित्र और कोई बनता ही नहीं है कोई माने कोई भी देश कोई भी खंड भारत जैसा पवित्र नहीं बनता 100% पवित्र फिर 100% अपवित्र गाते भी हैं पतित पावन हे पतित पावन आओ पावन कैसे बनाओ ये देवताओं के जैसा बनाओ देवता बनाओ ऐसे ही कहेंगे और तो कोई नहीं कहेंगे ना पतित बच्चे भी कहेंगे सन्यासी कहेंगे कि हे पतित पावन आओ हमको पावन दुनिया में ले जाओ वो है पावन आत्माओं की दुनिया और सतयुग है पावन जीव आत्माओं की दुनिया सन्यासियों को तो पावन जीव आत्माओं की दुनिया में जाना ही नहीं है सतयुग त्रेता है पावन जीव आत्माओं की दुनिया परम धाम है सन्यासियों की पावन दुनिया वो तो उनको पुकारते हैं कि बाबा हम पतित को गृहस्त धर्म है ना हमको पावन गृहस्त धर्म बनाओ क्योंकि भारत में पावन गृहस्थ धर्म था अभी गृहस्थ धर्म पतित है पतित गृहस्थ धर्म को पावन गृहस्थ धर्म कोई गृहस्थी का संन्यास करने वाले थोड़े ही बना सकेंगे उनका फिर क्या है बाप बताते हैं कि वो पवित्र रहते हैं इसलिए भारत थमा रहता है और सच भी बोलते थे नेत नेत न हम रचयिता को जानते न रचना को जानते हैं तो बेअंत है अभी जब तमो प्रधान बने हैं तो कह देते हैं शिवो हम सब ईश्वर के रूप हैं समझा पहले ऐसे नहीं था
पहले माने कब है? द्वापर के आदि में ये सर्वव्यापी का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय में सतो प्रधान अवस्था में थे। फिर सतो में रजो में अभी सारी दुनिया बिल्कुल तमो प्रधान अवस्था में आ गई। तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ 100% तमो प्रधान वालों को 100% सतो प्रधान बनाने आता हूँ। पीछे सतयुग में सबको तो नहीं ले जाता हूँ ना, क्योंकि सब तो सतयुग में होते ही नहीं है। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, बाद में सभी आते हैं, तो सभी तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। बाकी जो आते हैं उनकी होती है मुक्ति, और मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है और कोई नहीं हो सकता। मनुष्य को कभी भी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि मनुष्य का मन सदा चलायमान रहता है, तो मुक्त होने मुक्त करने का सवाल ही नहीं। इसलिए गुरु कहलाने का हकदार भी नहीं है। तो कोई बतावे ये गुरु किसके? ये भक्ति मार्ग के गुरु है, और ये है ज्ञान मार्ग का गुरु, वो भक्ति मार्ग के गुरु। तुम हो यात्राओं के ऊपर भी, 10 धर्म वालों का धंधा है, भक्ति करना कोई सन्यासी का कर्म नहीं है, वो तो भक्ति छोड़ देते हैं। गृहस्थ धर्म को ही छोड़ देते हैं, भक्ति है ही गृहस्थ आश्रम वालों को, लेकिन सन्यासियों के लिए। परंतु पहले जंगल में रहते थे, जब तमो प्रधान या रजो बनते हैं तो अंदर में घुस जाते हैं, शूटिंग कहाँ होती है, कैसे है? पहले माउंट आबू के जंगलों में रहते थे, बाद में तमो प्रधान रजो बने तो अंदर में घुस आए। पीछे ये जिस माने जैसे पंडित, तैसे ये पंडित भी बन जाते हैं, और ये यात्रु भी बन जाते हैं। यात्रुओं की जगह गुरु भी बन जाते हैं।
जैसे अंदर घुस जाते हैं, मुख से कहते हैं कि हम घर बाहर छोड़ने वाले हैं, कहते सब कुछ छोड़ दिया। उनका एक पैसा भी नहीं ले जाते हैं। कायदा ऐसा है कि सन्यासी एक भी पैसा न ले जावे। चले जाते हैं गुरु के पास। अभी देखो तम प्रधान बनने के कारण आजकल कितने लखपति, कितने करोड़पति ज्ञान मार्ग के, जो ज्ञान सागर बाबा है उनके बच्चे। गुरुवान यात्रा कराएंगे और वो जो साधु संत सन्यासी हैं वो सभी जिस्मानी यात्रा कराएंगे। तुम रूहों को यात्रा कराते हो। देखो जाते हैं ना पहाड़ों पर, नहीं तो जिस्मानी है ये सन्यासी करोड़पति हैं। उन सन्यासियों के पास एक के पास दस दस बीस बीस करोड़ हैं। जो कहते हैं हमने हर्थ एंड होम अर्थात घर बार को छोड़ा है, तो फिर बाद में उनको पैसे की क्या दरकार पड़ गई। तमो प्रधान बन जाने से पीछे ये पब्लिक में घुस जाते हैं, फिर तो लखपति करोड़पति हो जाते हैं। गृहस्थियों से भी जास्ती है, साहूकार हो जाते हैं, जो फिर मुख से कहते हैं कि हमने घर बार छोड़ा हुआ है। तो ये एडल्ट्रेशन करप्शन हुई ना, ये तो धोखा देना हुआ। करप्शन को धोखा कहा जाता है। अभी सर्वव्यापिक है ना, ये भी धोखा हुआ। तो बाप आकर कहते हैं बच्ची ये जो गुरु लोग हैं इन सब को छोड़ो। गीता में तो लिख दिया है कि इनको मारो गोली, बाण मारो। अभी मारने की तो कोई बात नहीं है क्योंकि तुम तो नॉन वायलेंस हो, तुम अहिंसक हो, कोई हिंसक तो नहीं हो, न कोई से लड़ते हो, न कोई के ऊपर काम कटारी चलाते हो। एक 1665 की वाणी का सातवां पेज। तो देखो इस काम पर जीत पहनना ये कड़ी मेहनत है, ये तुम्हारा युद्ध है। उन्होंने फिर महावारी महाभारत युद्ध हिंसा के युद्ध दिखाई दिए। वो सन्यासी घर बैठे नहीं जीत सकते हैं, इसलिए वो तो भाग जाते हैं। और तुमको तो घर बैठ करके भी, घर में रह करके भी विकारों को जीतना है।
इन विकारों को मारना है। जैसे गीता में आया है, जहियेनम पापमानम, तो ये युक्ति है, युक्ति यही होती है कि तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारी बन जाने से शिव बाबा से वर्षा लेते हो। इसलिए तुम भाई बहन हो गए। यो वास्तव में हिसाब करें कि जब हम सभी भगवान के बच्चे हैं, निराकार पीछे साकार ब्रह्मा द्वारा, तो भाई बहन ठहरे ना। वास्तव में तो सभी भाई बहन ठहरे, पीछे ये बिरादरियां निकलती हैं। पहले कैसे हैं? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ये सब ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे। अगर रुद्रमाला के मणके हैं तो सब आपस में भाई भाई ठहरे, पीछे ये बिरादरियां निकलती हैं। पीछे मैंने कब? परंतु वास्तव में हिसाब करें कि जब हम सब भगवान के बच्चे हैं तो जरूर हमको निर्विकारी बनना चाहिए। भगवान कोई विकारी होता है क्या? जैसा बाप वैसे बच्चे, तो भाई भाई हुए ना ब्रह्मा के द्वारा, फिर भाई बहन होते हैं। जब ब्रह्मा कुमारी और कुमार बहन भाई हो तो विकार में तो नहीं जा सकते हो। अच्छा, विकार में न जाने से तुमको इसके लिए क्या मिलता है? कुछ मिलता है? अरे, विश्व की बादशाही मिलती है। सिर्फ एक अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। इसको कहा जाता है बहुत जन्म के अंत के जन्म का भी अंत। बहुत जन्म कितने? 84 जन्म के अंत क्या है? वानप्रस्थ अवस्था और संत का भी अंत क्या? जिसमें बाप प्रत्यक्ष होकर के प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति दे देते हैं। इसमें अगर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान तुन विकारी रहे, पवित्र रहे, तो देखो तुमको कितना ऊंच पद मिलता है। ये तुम्हारी स्टेटस हुई ना। क्या
क्या स्टेटस हुई है? जैसी जैसी पवित्रता धारण करते हो, जिस स्टेज की पवित्रता धारण करते हो, उसी स्टेज में तुम स्टेटस पाते हो। ये एम ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ आए हुए हैं फिर देवती देवी देवता बनने। अभी तो यहाँ सभी भ्रष्टाचारी, जब सभी भ्रष्टाचारी है तो देवता कौन बनाएगा? वकील बनाने के लिए वकालत सीखा हुआ वकील चाहिए, इंजीनियर बनाने के लिए इंजीनियर टीचर चाहिए। यहाँ तो सभी भ्रष्टाचारी है तो देवता कौन बनाएंगे? विश्व का मालिक कौन बनाएंगे? तो जो विश्व का रचयिता है वो ही बनाएंगे। इस समझ की बात है। अभी तुम बच्चे समझदार बनते हो, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये सब तुम्हारे ज्ञान में है, इसलिए तुम सुदर्शन चक्रधारी बन गए। स्वात्मा का दर्शन हुआ, नॉलेज मिली कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। किससे हमको नॉलेज मिली? परमपिता परमात्मा, जिसको नॉलेज फुल कहा जाता है, क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। कौन है? हैं? प्रजापिता? परमपिता परमात्मा, जिसको ही नॉलेज फुल कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। कौन है बीज रूप? मनुष्य सृष्टि का बीज प्रजापिता तो है, लेकिन वो परमपिता क्यों कहा जा सकता है? क्या उसका कोई पिता नहीं है? प्रजापिता का भी परमपिता है शिव, जिसका कोई पिता नहीं तब है परमपिता, परे ते परे। और वो मुकर्रर रूप से मनुष्य सृष्टि के बीज में प्रवेश करता है, तब कहा जाता है परमपिता परमात्मा। कभी भी नहीं कहेंगे परमात्मा परमपिता, जैसे कहा जाता है शिव शंकर, शिव पहले शंकर बाद में, तो दो का मेल है परमपिता परमात्मा। तो जो बीज है वो चैतन्य है, और उसको ही कह देते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल। तो उनको जरूर आना पड़े,
तो देखो अभी आए नालिश देते हैं, समझाते हैं मैं हूं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, बाकी जो अनेक बीज हैं ये भी तुम जानते हो कि उन बीजों से झाड़ कैसे होता है, और ये भी मनुष्य सृष्टि का उल्टा बीज है, उल्टा वृक्ष है, इसको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बीज ऊपर की स्टेज में है और सारा झाड़ नीचे की ओर, नीची स्टेज में, समझा ना? हम आत्माएं तो ऊपर की रहने वाली है ना, तो हम आत्माएं हैं सारी सृष्टि की बीज नंबर वन, और यहां झाड़ में आए हुए हैं। देखो पहले पहले दैवी झाड़, पीछे इस्लामी झाड़, फिर बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, फिर उनमें मल्टीफिकेशन डाल डालिया। अभी तुमको इस कल्प वृक्ष का अच्छी तरह से ज्ञान मिला है। ये ज्ञान दूसरा कोई भी नहीं दे सकता, न शास्त्रों में है। शास्त्रों में क्यों नहीं है? गीता में तो कहा है ऊर्धम मूलम मदः शाखा अश्वत्थम आहोरव्ययम्। कई श्लोकों में विस्तार बताया है, विस्तार तो बताया है, परंतु ये नहीं बताया कि इस वृक्ष का बीज कौन है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है तो उसका बीज भी तो कोई मनुष्य ही होगा ना। तुम अभी जो सुनती हो सो तुम्हारी बुद्धि में रहा, भले तुम कुछ लिखती भी हो, पर ये तो सब विनाश हो जाएगा। सत्युग में तो कोई भी शास्त्र वगैरह बिल्कुल होते ही नहीं है, मंदिर आज तो होते ही नहीं है, कुछ भी नहीं होते। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। ये पीछे निकलते हैं, सत्युग में तो है ही नहीं। सत्युग में तो हीरे और जवाहरातों के महल, वो राजभाग, तुम जो इनहेरिटेंस पाते हो वो तुम ही भोगते हो, तो भी कितनी अच्छी कहानी है। तुम कह सकते हो ना, लांग लांग आगो की एक कहानी, 5000 वर्ष पहले यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ये लक्ष्मीनारायण का राज्य था, पीछे जब त्रेता आया तो सीता राम का राज्य चला। देखो लांग लांग आगो की आख्यानी, ये तो समझ सकते हो ना। सूर्यवंशियों के बाद चंद्रवंशी, जब उन्हें चंद्रवंशियों का भी राजभाग आधा कल्प पूरा हुआ तब फिर माया की प्रवेशता हो गई। पीछे दूसरे धर्म वाले आने लगे,
मुख्य इस्लामी आया, पीछे बौद्ध, फिर क्रिश्चियन, फिर वगैरह वगैरह वगैरह। यानी झाड़ को छोटी छोटी टाटारियां निकलने लग पड़े, झाड़ पूरा हो गया। देखो लांग लांग एगो, तुम आखा नहीं सुनते हो ना, बिल्कुल सहज आखा नहीं है। अभी झाड़ तमो प्रधान हो गया, अभी फिर से रिपीट करेगा। अभी कितना सहज ज्ञान है। अच्छा बाबा अभी विदाई लेते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं थॉट वर्ल्ड और डीड, किसको भी दुख नहीं देना है। अभी समझना तो है ना, इसको कहना कहने की बात ही नहीं है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। भगवान तो है नहीं, 1665 की वाणी का 8वां पेज। कृष्ण भगवान कैसे हो सकता है? कृष्ण तो गर्भ से पुनर्जन्म लेते हैं। वो तो मनुष्य है और वो तो गुस्सा भी खा जाते हैं। अच्छा देखते हैं कि उनको गुस्सा लगता है तो उनको नहीं बताना चाहिए, क्रोध करने वालों को क्यों बताना चाहिए कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, छोड़ देना चाहिए। अच्छा भाई तुमको गुस्सा लगता है ना, अभी अपने ही जिस मत पर हो तुम उस पर कायम रहो, फिर छोड़ देना बस। ये एक ही बात पर सब कुछ है। तुम बहुत टिक टिक करते हो ना, तो सभी मनुष्य बहुत सिक मुझे जाते हैं। तुम्हारी तो एक ही बात है, पूछो जिसने भारत को कंगाल बनाया है, यही एक बात है। बाप को कहते हो कुत्ते बिल्ले में, गालियों के पिछाड़ी गालियां, ये बहुत डिफेमेशन किसकी हुई है? गॉड फादर की हुई है। वो आकर कहते हैं तब तुम मेरी और मेरे देवताओं की गिलानी करते हो। कैसी गिलानी करते हो? मेरे को सर्वव्यापी कुत्ते में बिल्ले में कच्छ मच्छ में लगाई दिए। कहते हो कि पुनर्जन्म नहीं लेते हैं और दूसरी तरफ कहते हो कच्छ मच्छ में, मित्तर ठिक्कर में, कण कण में। देखो समझाते हैं ना, बड़ी गालियां दी हैं।
पीछे सेकंड नंबर में कह देते हैं शंकर पार्वती के ऊपर पिछाड़ी हुआ, फिदा हुआ, क्योंकि पहले नंबर में है शिव बाबा। पीछे नंबर में है शंकर, नेक्स्ट टू गॉड है शंकर। शंकर के ऊपर भी तुमने कितनी ग्लानी की है, वो दतूरा खाते हैं, बांग पीते हैं, पार्वती के ऊपर पिछाड़ी पिछाड़ी परा, पीछे बिच्छू टंडन पैदा हुए, अब ये सब बातें कहां की कहां ले गए। ऐसे तो ये बातें नॉनसेंस है, सेकेंड नंबर में उनकी ग्लानी किनकी है, शंकर की। पीछे थर्ड नंबर में आओ ब्रह्मा की, कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती के ऊपर पिदाई हुआ, फलाना हुआ। अच्छा अब आओ विष्णु के ऊपर, विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, छोटेपन में है कृष्ण, और कृष्ण को भी तो तुमने गाली दे दी, कहते हैं कृष्ण को 108 रानियां थी, फिर कहते हैं 16,000 रानियां थी। देखो उनको भी गालियां दे दी, अब जज करो कि बरोबर ऐसे है। तो देखो सबको ऐसे ही हुआ, गालियां दी, शिव को भी हुआ जो रचयिता है। फिर उनके सेकंड नंबर में आओ शंकर, उनको भी शिव शंकर से मिलाई दिया, भक्ति मार्ग में मिलाई दिया कि नहीं मिलाई दिया, किसने, भक्तों ने मिलाई दिया या ज्ञानियों ने। भक्तों ने क्यों मिलाई दिया है, क्योंकि भक्त शरीर को देखते हैं और तुम ज्ञानी आत्मा बच्चे आत्मा को देखते हो। बैल के ऊपर शंकर को बैठाई दिया, शिव शंकर को मिलाई दिया, अब आत्माएं तो दो अलग अलग है ना, बैल के ऊपर शंकर भी बैठा है और बैल के ऊपर कंधे पर शिवलिंग भी जैसा निशान बनाई दिया, कहते ये शिव है। अरे ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी, वहां बैल कहां से आया, तो मूर्खता हुई ना।
किस बात की मूर्खता हुई है कि उन्होंने ये नहीं समझा कि साकार दुनिया में रहते हुए भी सूक्ष्म स्टेज में रह सकता है कोई। अभी तो सभी मूर्ख बन गए। फिर उनकी भी बता दी कि ब्रह्मा की भी कहते हैं फिदा हुए फलाना हुआ। अच्छा फिर आओ विष्णु के ऊपर, ऊंचे थे ऊंचे ये तीन है ना, विष्णु के भी दो रूप लक्ष्मी नारायण, ये भी उनको पता तो है नहीं, परंतु नहीं लक्ष्मी और नारायण उनसे पहले है कृष्ण और राधा, उसमें भी राधे को इतनी गालियां नहीं दी हैं। और कृष्ण को तो ठोक करके गालियां दी हैं, दिखाया इनको सर्प ने डसा, ढेर की ढेर रानियां दिखाई दी। राधा को गाली क्यों नहीं दी है? क्योंकि राधा तो प्रैक्टिकल जीवन में भी संगम युग में पवित्र ही रहती है। कृष्ण को तो ठोक के गालियां दी। अब 108 रानियां थी, भगाते थे सर्प ने डसा। अब ऐसा आदमी ज्ञान कैसे देगा? कैसा आदमी है जिसको काम विकार रूपी सर्प डस ले उसके मुख में से ज्ञान निकलेगा? निकलेगा नहीं निकल सकता। उसको पतित पावन कैसे कहेंगे? किसी को 108 स्त्रियां हो फिर उसको पतित पावन कैसे कहेंगे? तो देखो कितनी भूल कर दी है। बताओ जिसको ढेर की ढेर रानियां हो उसको पतित पावन कैसे कहेंगे? हैं? अरे संगम युग में जो बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उस स्वरूप को पतित पावन कहते हैं या नहीं कहते हैं? हैं? क्यों कहते हैं? कैसे कहते हैं? जरूर बुद्धि योग की बात है। जो पतित बुद्धि होती है तो जिसका संग करती है उसके संग का रंग याद आता है या नहीं याद आता है? हैं? याद आता है तो कहेंगे पतित, और याद भी ना आए तो बुद्धि को पतित कहेंगे कि पावन कहेंगे? रंग चढ़ा या नहीं चढ़ा? हैं? नहीं चढ़ा। तो देखो इन बातों को समझने में कितनी भूल है। अब जब बताते हैं तो मनुष्यों को कितनी मिर्ची लगती है,
सच्ची बात बताओ तो मुट्ठों को मिर्ची लगती है। कौन से मुट्ठों को है? अरे मुट्ठों किसको कहा, किसकी तरफ इशारा किया? बेसिक वालों को। अभी क्या करें हे भगवान। अच्छा बच्ची टोली ले आओ, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति। मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। गाया तो जाता है, लौकिक माँ बाप की तो ये महिमा नहीं है, जरूर पारलौकिक माँ बाप की है, जरूर मात पिता भी ऐसे होने चाहिए, क्योंकि भगवान रचयिता है, माता भी जरूर होगी। तो देखो कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। अभी कब मिलते हैं? बेचारे गाते आते हैं, उन लोगों को पता नहीं है कि जिस एक से घनेरे सुख मिलते हैं वो मात पिता कैसे है, कैसे है? व्यक्तित्व एक है या दो है? हैं? एक है। फिर मात पिता कैसे? माता तो स्त्री चोला में और पिता पुरुष चोला में, फिर एक कैसे है? तो नाम रखा है बाप दादा। बाप दादा कंबाइंड है या दो अलग अलग हस्तियां हैं? कंबाइंड है, जिनकी यादगार भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर दिखाई जाती है। उन लोगों को इन बातों का पता ही नहीं है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगा दी, घोर अंधियारा। अभी तुम जानते हो कि बरोबर तुम मात पिता हम बालक तेरे, जिससे राजयोग सीख करके स्वर्ग के सदा सुख घनेरे वर्षा लेते हैं। समझा ना? सन्यासी तो सुख को काग विष्टा समान समझते हैं। अभी जो काग विष्टा समान सुख है, उसमें से वो राज को कैसे जानेंगे? कौन? सन्यासी क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि वो तो सतयुग त्रेता में आते ही नहीं है। तो ये काग विष्टा समान सुख है कलयुग अंत में, इस राज को वो कैसे जाने? अभी तुम जानते हो हमारी जो पुकार थी, जो अभी पूरी हो रही है, बाप आकर के हमको फिर राजयोग सिखला रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुनगुना।